कश्यप अभिमान। कश्यप जी तपस्या करके आ रहे और सायंकालीन बेला का समय था और उस समय जो कथा सुन करके जाए या भजन करके जाए या सत्संग करके जाए या साधना से जाए तो कभी उसको काम थका सकता है कभी नहीं। जहां राम तहे काम नहीं और जहां काम नहीं राम तो तुलसी गहु न रह सके रब रजनी। काम और राम, रात और दिन कभी एक साथ नहीं होते। एक संध्या काल का बेला का समय था, 6:50 हो गया था। उस समय महारानी कश्यप के सामने खड़ी हो जाती और काम ने इनके ऊपर बड़ा प्रभाव डाला क्योंकि तो काम से आज तक कोई बचा नहीं। सिर्फ बचे तो 3 प्राणी बचे जो कभी भी किसी नारी की माता की सुंदरता को पुतों पर और चंदन पर यानी सौंदर्य पर। संसार में ऐसे कौतूहल है कि गुरु विश्वामित्र भी अप्सरा के ऊपर मुक्त हो गए थे और काम ने उनको भी झकझोर दिया तो शकुंतला का जन्म हुआ। दूसरे गुरु की पत्नी महारानी तारा शिष्यों ने बड़ा कर डाला। जब आगे सतयुग में ऐसा करने वाले देवताओं ने भी किया कि गुरु माता और गुरु जी का किया निमंत्रण चंद्रमा ने और भोजन के बाद विदाई होने लगी तो गुरु जी की विदाई करती बोले कुछ दिनों गुरु माता को रहने दो उनकी सेवा हो जाए। अंत में गुरु पत्नी पर कुबिट्टी डाली और कुबिट्टी डालने के बाद जब गुरु जी ने कहा भेजो भाई तो नहीं भेजा, रख लिया। रखने के बाद उनके कर्म स्थापित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर समर्थ को नहीं जुटाई और फिर जब वो गर्भपात गर्व होगा तो फिर खुद का जन्म होगा चंद्रमा का खुद खुद है। काम की क्रिया से 3 ही ऐसे महापुरुष हैं, हनुमान जी, परशुराम जी और तीसरे कौन है, तीसरे का मालूम है, हनुमान, परशुराम और बीज पिता। ये 3 कवि के ऊपर आसक्त नहीं हुए। अगर ये चाहते तो कई विवाह कर लेकिन इन्होंने साधना किया और साधना करने के बाद आज वही संध्याकालीन मेला में महारानी श्री अदिति ने कश्यप से निवेदन किया। तो कश्यप जी ने कहा मुझे भी मैं तो तपस्या से आ रहा हूं, मुझे तो कामेच्छा हो नहीं रही है। दूर दृष्टि से देखा तो काम का पूर्ण प्रभाव था उस समय क्योंकि स्पष्ट कहा है रामचरित मानस में कि इनके बदना संभव। एक साथ में पुत्री और पिता को भी नहीं रहना चाहिए। आज के इस कांडों में धीरज धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल प्रक्रिय जारी और उधर लिखा है कि पुरुष मनोहर निर्खत ये उनके ऊपर लागू होता है जिनकी में सदाचार नहीं है, संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। और जो संस्कार होते हैं और संस्कृति होती है उस घर की बहु बेटियां कभी भी चल सकती उपे सभी नहीं। तो संयोग जब संसर्ग कश्यप जी का और अदिति का होगा तो उनके गर्भ की स्थापित तो 100 वर्ष उनको गर्भ में रखा। एक 9 महीने नहीं 100 वर्ष
और 100 वर्ष रहने के बाद में दो पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकश्यप। नारद का श्राप हो गया। जब एक बार भगवान विष्णु लोग गए वहां पर द्वारपाल खड़े थे और नारद जी को जब अंदर जाने के लिए मना कर दिया, कह दिया था कि तीन काल तक तुम पापी कपटी दो निशाचर। तो शिशुपाल वो हिरण्यकश्यप को हिरणा, त्रेता में कुंभकर्ण और रावण, और द्वापर में शिशुपाल जनेरी का राजा और दंत भक्त। अब कला कला करके दोनों तपस्या के लिए फिरे और हिरण्याक्ष ने तपस्या को किया, उसी समय जब ब्रह्मा ने वरदान दे दिया तो पृथ्वी को छुरा करके इसने और भुट्टा में छुपा करके रख दिया। देखना अब यहां पर सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी को मेघना में कैसे छुपाती? जब अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी के तत्व कौन है? तत्व छीन लिए जाए तो पृथ्वी विहीन हो जाएगी। तो पृथ्वी के चार तत्व हैं बड़े कौन? अरिभ्यो धेन सुरतन विप्रो धेन सुर और सन अरलीन मनुज अवतार और निधि की छान निर्मितो तनो तुमाया गुण गोपाल। जब ये लुप्त हो गए तो भगवान की प्रार्थना देवताओं ने सभी ने मिलकर के की, दोबारा यह रूप भगवान ने धारण किया। आज एक विशेष बात मैं बता देता हूं, अगर सुअर का दांत वही सुअर लोग कहते हैं उसको असुर होता है, हमारा असुर कहते हैं जिसका रूप भगवान ने स्वयं नारायण ने धारण किया हो, अगर सुअर का दांत घर में हो या बालक को पहना दिया या सोने में बढ़ करके या अपने पूजा घर में या जहां पैसा है वहां, उसका एक प्रमाण है कि अगर आप उसको गले में धारण किए हैं तो सारी शक्तियां देवी देवता तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। उपास करें, ये गुप्त बात है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन इतनी ताकत है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने या तुमको गुप्त। तो भगवान ने पृथ्वी को अपनी नाशिका पर उठा करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को मालूम चला कि मेरे बड़े भाई का वध हो गया, सुबह जाकर के दंडवादन प्रकरण चर्चा और यहां कयाधु गर्भवती हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था और एक पुत्र और था अहला। तो तपस्या करने के लिए जब ये चले गए तो वहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण करने के बाद सीधा गटाओं को बिखेर करके अमूर्त के भर खड़ा रहा और इधर इंद्र को मालूम चला हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो इसने जाकर भी हरण कर दिया। अभी एक बार फिर समझ में नहीं आया जाको, क्योंकि जाने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल कर दिया, क्योंकि अहिल्या बड़ी सुंदर थी, उससे सुंदरी थी। आज वही कहा गया बड़ा समय लिखा है
और वो चीज प्राप्त ना हो तो वो धृष्टता का प्रत्यय है। भाई जिसके भाव में जो चीज थी उसको प्राप्त हो गया, देख पराई टूपड़ी मत ले जाएगी। लेकिन देवताओं को राजा चंद्र के नियम से इच्छा नहीं था। चंद्रमा को लेकर के रात्रि में 12 बजे गौतम का रूप बना लिया और चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके बांक लगा दी। और उनका नियम था कि वो ब्रह्म वेला मुहूर्त में नदी में नहाने जाते थे। और इधर इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल कर दिया। और जब गंगा में पहुंचे वहां आवाज आई, गौतम तुम्हारे घर पर छल किया जा रहा है। जब लौट करके आया तो चंद्रमा द्वार पर खड़ा था, एक मुच्छाला कर जोरों से हनन किया और कहा, चल तू आज के कला से हीन हो जाएगा, तू कभी पूर्ण नहीं रहेगा, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। तो वही परमा से पूर्णमासी तक वो क्षय रोग यानी टीवी का रोग है और तुझमें काला दाग रहेगा। और इंद्र को कहा कि एक भग के ऊपर रीत करके आज तूने मेरी पत्नी का सत्य जगाया और उठा कर कमंडल का जल मारा, कहा जा तेरे शरीर में हजारों भग पैदा हो गए। अब छुपा छुपा तब निवेदन किया कि महाराज क्षमा करिए। तो भगवान ब्रह्मा के पास गया, बोले जाओ ने कुछ समय के बाद उन्हीं से कहो। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आज से ये सहस्त्राक्ष नेत्रों में बनाई जाएगी। तो इंद्र के हजार नेत्र हैं और इंद्र का नाम सहस्त्राक्ष है, क्योंकि यजुर्वेद में कहा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पातु का भूमि भूम सर्वत्र विद्वाह भूम तू द्रोह अजय। अब कहां चल रही थी बात, कथा कहां थी, ये तो गौतम जी का चैप्टर चला। लेकिन कथा चल रही थी हिरण्यकश्यप के, तो हिरण इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। उसको डर लग रहा था कि जाके बाप से परेशान, अब जाके पेट में एक डेथ और है, इसलिए मैं उसका खंडन करूंगा, तो हरण करके लिए जा रहा था। बीच में बाबा नारद जी आए गए। नारद जी ने कहा भाई कहां लिए जा रहे हो, बोले महाराज जाके घर में ये उसके पेट में डेथ पड़ा। बोले डेथ कैसे हो सकता, बोले जन्म से कोई राक्षस नहीं होता और दूसरे की पत्नी का हरण करना अपनी मृत्यु का बुलावा देना है, विनाश हो जाएगा। तो नारद जी के आसन पर छोड़ दिया। अब वहां पे 108 दिन का रामकृष्ण मानस कथा का अनुष्ठान कर रहा था और महारानी जी श्रवण कर रही थी और वही कयाधु रूप थे। तो 108 दिन जब राम कथा को सुना, तो नियम आज भी है कि जैसा निगेटिव बनेगा जैसी गुरु बनी। गर्भवती माता को चाहिए जब उसको गर्भ हो 2.5 महीने के बाद जीव पड़ जाता है। भगवान की सुंदर प्रतिमा सामने रखें, गोपाल जी का सुंदर मंत्र का जाप करें, सुंदर सुंदर भजन सुनाए और भगवान का दिव्य दर्शन करें, तो जैसा मन वृद्धि होगी तैसा पुत्र पर माँ का पूर्ण स्वभाव होगा। जैसा माँ करेगी वैसे ही वो पुत्र के गुण आएंगे। अब मन तो माँ के कर्म कर्तव्य की पूरी घटना सुना रहे थे, तो उसके 7 द्वार तक तो वो सोई नहीं और जब 8वां द्वार आया तो सो गई थी, तो उसको भी याद किया। जब भोजन करती है तो बालक को भोजन पहुंचता है, जब मां सोती है कूद कूद करके राम कथा बाकी पेट में भर गई। और किधर जो है ब्रह्मा का प्राकट हुआ और ऋण को चबू को वरदान दिए, मांग लो जो कुछ मांगना चाहिए। बोले मैं अमर हो जाऊं, बोले जो धरा पर आया है वो अमर नहीं हुआ है, क्योंकि जापत से ही गर्भो मृत्यु मृत्यु भगवतता और रामकृष्ण मानस कभी तो पाई आई है।
अरे जो जन्मा तो से महाराज श्री शुक्राचार्य के जो
हरण कश्यपु के विद्यालय में, नेत्र विद्यालय में वो प्रोफेसर के पद पर और प्राचारी के पद पर पढ़ाई जब चालू हुई, एक दिन जब वहां से आया तो हरण्य कश्यपु ने अपनी गोदी में माँ को बैठा लिया और कहा, बेटा क्या पढ़ाया तुम्हारे गुरुदेव ने? उसके मुखार से क्या निकला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु इस वर्णम पादि सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखमात्मनिवेदनम। हरि प्रथम हो भगत तने कैर संगा
जी के चार संत गुरु थे, हरिदेव जी के चार संत गुरु थे, जो ज्ञान के दाता और शिव शंकर के लाश पति भी दाते जिन्हें पिधाता। गुरुदेव कवि के सच्ची राह दिखावे, आह सच्ची राह दिखावे, अरे गुरु की कृपा मेरे को बिजुबल से पार लगावे। गुरु बदित्य हर सांदी पन से, हर भय जगत में ज्ञानी और राम कृष्ण ने गुरु जाके सीखी गुरु की वाणी। मात पिता और पूजी गुरु भाग, मात पिता और पूजी गुरु भाव, उठ के गीत न गावे, आह उठ के गीत न गावे, अरे गुरु की कृपा मिले वो और पुत्रों के बीच में जिद करने लगा। जब पारस मणि का स्पर्श होता है तो लोहा चाहे घिसा हो, चाहे पीटा हो, चाहे खुरदरा हो, तो सोना ही बन जाता है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए और एक लीक काजल की दाग है, बेदाग है। अगर आप सत्संग में पहुंच जाएंगे, कितने भी बड़े नास्तिक होंगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगा। और क्या कहा, अरे हर रूठे गुरु लगन है। अगर भगवान रूठ गए तो गुरु जी की ठौर मिल जाती है। अरे रूठे गुरु ठौर लगते है, अरे शिष्य की पीरा, गुरु रूठे कहो ठौर मिले ना, कह गए दास कबीरा। हम नहीं कह रहे, कबीरदा जी कह रहे हैं। अरे कौशिक नाय शरण गुरु पर की, अरे कौशिक जाय शरण गुरु पर की, अरे पाप दोष मिट जावे, आह पाप दोष मिट जावे, गुरु की कृपा मिले भगवान। जब चारों तरफ से अग्नि लगी
तो वो बिल्ली के बच्चे आवाज मारने लगे। अब तो चारों तरफ से आवाज यदि आ रही है और चारों तरफ अग्नि, तो उस समय थोड़ा कहा राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि राम नाम से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, बच सकता है। तो अभी के पास बैठी बैठी माला लिए राम 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 का जाप कर रही है। पहला जी पहुंचे और बताए गए, आप बोली माँ आप परमात्मा गुरु राम का भजन कर रहे हैं और हमारी पिताजी की राजधानी राम का नाम सुनने से उनको बहुत बड़ी लगती है, मार डालेंगे। आप क्यों भगवान का नाम जप रही हो? अब बेटा बैठ मेरे पास। बोले इस जलती हुई अग्नि में एक घड़े में बिल्ली के बच्चे रखे थे, उतर गए, मैं उनको बचाने के लिए भगवान का राम नाम का जाप कर रही हूं। हाँ पगली मां, अग्नि से कोई बच सकता है? तो वो कह रहे हैं अरे जी बोले काहे न पावत जाए। ए मां ऐसी कोई वस्तु है जो अग्नि से जला न सके? बोले काहे न पावत जाए सके, और एक का नहीं सिंधु समाए और का न करे अब लाभ बल तो कहे जग काल न खाए। राम से बड़ा राम बोले कल आना बेटा। तो रात भर भुलिया ने बड़ा सुंदर भगवान का भजन किया और जब पूरा आवाज शांत हो गया, अग्नि शांत हो गई और सुबह पहला आया और एक एक घड़े को निकालती जा रही काम घड़े पक चुके थे और जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे तो वो घड़ा कोरा का कोरा था, कीड़ा उसमें अग्नि की बिल्कुल आंच नहीं आई। और जब घड़े को उठाया तो तीनों बिल्ली के बच्चे छलांग मार करके मियू म्याऊ की आवाज करते हुए निकल। पहला चरणों में गिर पड़े, कहा माँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि तुमने एक प्रश्न किया था कि काहे न पावक जा सके और का नहीं सिंदूर कमाए और का न करे अबला प्रबल तो कहीं जग काल न खाए। सुनो बेटा, क्या कहा? अग्नि किसे नहीं जलाती है? बोले धर्म न पावक जा सके और यस नहीं सिंधु समाए। हमारे आपके राम लला कितने समय से कट घरे में बने। हम आप लोग बड़े बहुत काली भाग्यशाली हैं कि इस समय में हम आप लोग मनुष्य योनि में जीवित हैं और इन कानों से सुनने के लिए मिल गया कि राम लला का मंदिर बनके तैयार हो गया। ये हमारा कहने का तात्पर्य है कि अरे जमाने जोर लगा ले, इतना जोर लगाएगा और इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने आएगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि धर्म न पावक जा सके और यश नहीं सिंधु समाए और पुत्र न अगला जन सके तो नाम न काल ही खाए राम से बड़ा राम का। तो बात यह है, अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा खेलते आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? तीर गंधा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? भगवान के लिए तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा ऐश्वर्य ये किसी काम में नहीं आता है। भगवान के लिए निर्मल मन जन सोम ही पावा और मोह ही कपट छल छिद्र विश्वास हो गया।
अब जाकर के महाराज हिरण्य कश्यप ने सारे उपकरण के लिए एक बुआ जी थी जिनका नाम था होलिका, उनको ब्रह्मा का वरदान। एक कमरिया जी थी ब्रह्मा ने कि अपनी ओढ़ करके जिसको गोदी में बिठा लोगी बोले वो भक्त हो जाएगा तुम भक्त। आज पहलाद को गोदी में बिठा ले जा रहे हैं, कहा बुआ अब इससे दंड आप लोग हैं, तो जिसकी गोदी में भगवान का भक्त बैठ जाए शीतल हो गई पवित्र हो गई और उसके मुख से निकल आया कि हे ब्रह्मा जी महाराज कितने लोगों के मेरे द्वारा मत कर दिया गया जला दिया गया, आज मेरा भोला का भतीजा मेरी गोद में है और ये वरदान आज तक की ही तुम्हारा अलोक हो अंतर ध्यान हो, मैं चाहे जल जाऊं लेकिन मेरा लाला मेरा भतीजा बाल मां का ना हो। होलिका जी का दान हो गया और पहला जी बाल मां का बोले होलिका महारानी कहीं से आज हम आप लोग होली करके भाग। अब पहला जी के सारे उपकरण को उन्होंने टपका हुआ अग्नि का लाल खंभा आज इसमें बांधा जाए गए थे और जब बांधने के लिए पहला बुलाया गया तो भगवान संकेत करते हैं उस खंभे पर एक चींटी चल रही थी तपते हुए खंभे पर, तो पहला विचार करता है वाह प्रभु तेरी पहला करो नहीं जिनके सदा सहायक केशव उनके जीवो कौन अने। अब जब चीटी को देखा बोले मालिक तुझे सब सुनता है, बोले चीटी के पग भूरू बांधे और तेरे भी साहब सुनते हैं। कितना छोटा जंतु है चीटी, उसका पैर कितना छोटा नहीं है और उसके पैर में कितनी छोटी भूरू बनेगी, फिर भी भगवान को सुनता है। वही कहा राम कृष्ण मानस में हरि बिनु पग चलाइ नहि बिनु गिरते गिराए दियो डरते नने को
सब मत भारे प्यारे हाथी तरे डारे फिर सिर आरे और अग्नि माए डारे और पीछे पीवे गातने लगाए नाग कारे भैया में नहीं आता आज भाव के प्रेम में मगन कछु जानो नहीं ऐसे पहलाद पेरे प्रेम मतवा बताओ बेटा तेरे बेटा को कौन सा दंड प्रतिदंड को दे दिए अब इसे कौन सा निर्णय हुआ तो नेत्रों से आंसू आ गए प्रहलाद के कहा प्रभु जिस मेरे पिता की हट के कारण आज आपका दर्शन हुआ मारे पुत्र पुत्र हो तो कहता हो पिता कितना भी कठोर हो हृदय पीठ मुंह बचने का टुकड़ा बोले सबसे ऊंचा पद मिलना चाहिए तो भागवत के द्वादश संतों के पद में सबसे ऊंचे सिंहासन पर हिरण्य कश्यप का स्थान दिया गया और जब आंखों को पेट को काला तो भगवान की दो नेत्रों से आंसू टपक गए उनसे दो कुंड बन गए और कुंडों के दो नदियों ने रूप धारण किए एक से नर्मदा और दूसरे से दशरथ की गंगा का स्थान तो हमारे आश्रम के किनारे से पहले एक प्रकार के महाराज हिरण्य कश्यप का उद्धार हो गया अब आगे चल करके भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष कर दिया और गजेंद्र का मोक्ष ज्ञान क्यों आया जो मैं समझ नहीं लिएगा तो